सुप्रभात छात्रों, मैं आज 6, 7 एवं 9 के बच्चों को संस्कृत प्रत्यय पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग पहले भी प्रत्यय पढ़े होंगे। प्रत्यय हिंदी में भी है और संस्कृत में भी है, लेकिन संस्कृत का प्रत्यय हिंदी के प्रत्यय से अलग है। मैं एक बात आप सभी बच्चों को यह बताना चाह रही हूँ कि जैसे जैसे क्रमानुसार आपके पाठों को पढ़ाया जा रहा है, वैसे वैसे ही आप अपनी उत्तर पुस्तिका में क्रम के अनुसार लिखेंगे, ताकि आपको परीक्षा के समय किसी भी तरह की परेशानी ना हो। जो पाठ्यक्रम में दी हुई है उसी तरह पाठों को पढ़ाया जा रहा है, तो आप भी उसी तरह आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, ताकि परीक्षा के समय आप क्रम के अनुसार लिखी हुई विषयों को पढ़ के आसान तरीके से परीक्षा दे सकते। अब हम पढ़े प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं इसके बारे में समझे। हिंदी परिभाषा हिंदी और संस्कृत दोनों की एक ही है। समझे, यहाँ वे अंश जो धातुओं एवं शब्द के पीछे जुड़कर उनके अर्थ बदल देते हैं। वे अंश अर्थात प्रत्यय पूर्णतः रूप से शब्द नहीं है, वह शब्द का अंश है, शब्दांश है, शब्द का अंश जो अधूरा है। जब तक हम उसे किसी भी धातु या प्रत्यय के साथ नहीं लगाएंगे, तब तक प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो प्रत्यय वह अंश है अर्थात शब्दांश, शब्द का अंश है जो धातुओं अर्थात धातु के पीछे, जो जिससे क्रिया बनाई जाती है उसे धातु कहते हैं। तो धातुओं एवं शब्द के पीछे जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, तो उसे ही हम प्रत्यय कहते हैं। संस्कृत के प्रत्यय देखें कि प्रत्यय कितने होते हैं। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय, इसे कृदंत भी कहते हैं। दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तीसरा है स्त्री प्रत्यय। अभी हम लोगों को प्रत्यय के कृत प्रत्यय ही पढ़नी है। अब हम देखें कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। कृत प्रत्यय को कृदंत भी कहते हैं। कृदंत का अर्थ होता है क्री, क्री से अर्थ होता है क्रिया, क्रिया जो कि धातु के से क्रिया बनाई जाती है। तो कृदंत अर्थात क्रिया से जिन शब्दों का अंत होता है उसे कृदंत कहते हैं। अर्थात कृत प्रत्यय में धातुओं के साथ कृत प्रत्यय लगाए जाते हैं। कृत प्रत्यय जो होता है वह धातुओं के साथ लगाई जाती है, इस कारण से इसे हम कृदंत भी कहते हैं। यहाँ देखें, धातु के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं, इसे कृदंत भी कहते हैं। अर्थात धातु के साथ लगने के कारण कृत प्रत्यय में जितने भी प्रत्यय शब्द बनाएंगे वह धातु के साथ लगाई जाएगी। कृत प्रत्यय में लगने वाले जितने भी शब्द हैं वह धातु के साथ ही प्रत्यय को जोड़ा जाता है। अब हम कृत प्रत्यय के भेद पढ़ेंगे। हम लोगों ने अभी प्रत्यय के भेद पढ़ा, जिसमें पहला था हमारा कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय, तीसरा स्त्री प्रत्यय। अब हम कृत प्रत्यय के भेद पढ़ेंगे, जिसमें पहला है हमारा अक्त्वा प्रत्यय। अक्त्वा, अक्त्वा का अर्थ होता है करके, अक्त्वा का अर्थ होता है करके। सबसे पहले हम बताएं, जिस वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं, जिस वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं और पहली क्रिया संपन्न होकर जो दूसरी क्रिया की जाती है, तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अर्थात पूर्वकालिक मतलब पूर्व काल में पहले एक पहली क्रिया पहले संपन्न हो चुकी है और दूसरी क्रिया होने वाली है। तो जिस वाक्य में दो क्रियाएं हो और एक क्रिया संपन्न हो गई हो और दूसरी क्रिया होने वाली है, तो पहली क्रिया जो संपन्न हो गई है या पहली क्रिया का समय समाप्त हो गया है, तो उसे क्रिया वाले शब्द में हम अक्त्वा प्रत्यय लगाते हैं। जैसे हम यहाँ देखें, करके अर्थ वाली पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए
मूल धातु में अक्त्वा प्रत्यय लगाया जाता है। कर के अर्थ, जब भी हम जैसे हम एक उदाहरण देते हैं सबसे पहले, उसके बाद आप इसकी परिभाषा समझेंगे। पहले यहाँ उदाहरण देखें, रामः पठित्वा भोजनं करिष्यति। रामः अर्थात राम, पठित्वा पढ़कर, भोजनं भोजन को, करिष्यति करेगा, राम पढ़कर भोजन करेगा। अब इस वाक्य में हम देखें कि दो क्रिया है, एक तो राम पहले पढ़ेगा, उसके बाद पढ़ने के पश्चात वह जो है भोजन को करेगा। तो भोजन करना और पढ़ना दो क्रिया है, लेकिन पहली क्रिया जो है वो संपन्न हो चुकी है, इस कारण से पहली क्रिया में हम अक्त्वा प्रत्यय लगाते हैं। अक्त्वा का अर्थ निकला करके, अर्थात राम पढ़कर, राम पढ़कर भोजन करेगा। तो ये पढ़कर में ही अक्त्वा प्रत्यय लगाई गई है। मूल धातुओं में अक्त्वा प्रत्यय, यहाँ मूल धातु पठित्वा में पठ है, इस कारण से इसमें अक्त्वा प्रत्यय लगाए हैं। और ये सेट धातु होने के कारण धातु से प्रत्यय लगाने से पहले धातु में ई लगाया जाता है, इस कारण से यहाँ पठित्वा, पठ धातु में अक्त्वा प्रत्यय लगाने के पश्चात यह पठित्वा बना। अब देखिए अक्त्वा के क का लोप होकर त्वा शेष रह जाता है। अक्त्वा प्रत्यय में क का अर्थात संयुक्त, आप ध्यान देंगे अक्त्वा प्रत्यय बच्चे कॉपी में हमेशा गलत लिखते हैं, इन शब्दों पर ध्यान देंगे, संयुक्त क है, संयुक्त त है और व में आ की मात्रा है। तो जब यह धातु के साथ प्रत्यय लगता है तो ये संयुक्त क का लोप हो जाता है और सिर्फ त्वा का शेष, त्वा शेष होता है। क यहाँ मैं देखिए बताई हूँ कि क हलंत, हलंत का अर्थ होता है ये संयुक्त, ये संयुक्त है, या तो हम इसे हम हलंत डाल के इसको संयुक्त लिखेंगे या फिर शब्द में जब डालेंगे तो इसको संयुक्त क के रूप में लिखेंगे। तो क का लोप होकर त्वा शेष रह जाता है, इसे ही हम अक्त्वा प्रत्यय कहते हैं। जिस वाक्य में दो क्रियाएं होती है, पहली क्रिया संपन्न हो जाती है, अर्थात पूर्वकालिक क्रिया में जो क्रिया संपन्न होती है उसी में अक्त्वा प्रत्यय लगाया जाता है। अक्त्वा का अर्थ होता है करके। अब एक और उदाहरण देखें हम यहाँ, रहमानः खादित्वा आपणं गमिष्यति। रहमानः अर्थात रहमान जो है वह खादित्वा, खादित्वा मतलब खाकर, आपणम, आपणम का अर्थ होता है बाजार, खाकर बाजार गमिष्यति जाएगा। तो रहमान क्या करेगा, पहले खाएगा, पहली क्रिया संपन्न हो गई है, इसके पश्चात जो है वह बाजार जाएगा। तो खाने वाली क्रिया को वह संपन्न करके दूसरी क्रिया करेगा, पहली क्रिया अधूरा नहीं छोड़ेगा, पहली क्रिया संपन्न करके वह दूसरी क्रिया करेगा। तो पहली क्रिया वाले धातु में हम अक्त्वा प्रत्यय लगाते हैं। अब इसके बाद जो है कई ऐसे धातु के साथ अक्त्वा प्रत्यय के उदाहरण हम देखें, अक्त्वा प्रत्यय के कुछ उदाहरण देखें। यहाँ देखें, मैं पहले बताई हूँ कि अक्त्वा प्रत्यय धातु के साथ लगाई जाती है। यहाँ देखें धातु, धातु क्री है, क्री का अर्थ होता है करना, क्री इसमें प्रत्यय अक्त्वा लगा है और इसमें क का लोप होता है तो त्वा शेष होता है। तो क्री जोड़ अक्त्वा प्रत्यय में इसका शब्द प्रत्यांत रूपाणी अर्थात प्रत्यय लगने के पश्चात जो रूप बना है वह कृत्वा हुआ है और इसका अर्थ है करके। अब यहाँ पे दूसरा क्री है, एक क्री का अर्थ होता है करना, दूसरा क्री का अर्थ होता है खरीदना। आप हिंदी में श्रुति संविनार्थक शब्द पढ़े होंगे जिसमें कि एक शब्द का उच्चारण जो है उच्चारण एक जैसा लगता है लेकिन वहाँ मात्राएं अलग लगाई जाती है, वैसे ये है क्री, क्री का अर्थ हो गया करना और ये क्री का अर्थ हो गया खरीदना। तो ये क्री जोड़ अक्त्वा अर्थात कृत्वा और इसका अर्थ निकला खरीद कर। इसके बाद देखें पठ जोड़ अक्त्वा पठित्वा, पठित्वा का अर्थ निकला पढ़ कर। अस्था, अस्था मतलब होता है रहना, रुकना, ठहरना,
कुछ कोई भी अर्थ निकल सकता है, और इसक इसमें प्रत्यय लगाएं तो स्थित्वा अस्था जोड़त्वा स्थित्वा अर्थ निकला ठहरकर। इसके बाद है वद जोड़ अक्तवा। यहाँ हम देखें कि कुछ ऐसी धातुएं होती है जब प्रत्यय लगता है तो प्रत्यय लगने के पश्चात जो है उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो वैसे ही एक उदाहरण मैं दी हूँ, यहाँ है वद जोड़ अक्तवा। यहाँ वद का वदित्वा भी हो सकता है या फिर उक्तवा हो सकता है। उक्तवा और इसका अर्थ निकला बोलकर। अब मुझे उम्मीद है कि आप कृत प्रत्यय के अक्तवा प्रत्यय भली भांति समझ गए होंगे। इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर वीडियो के माध्यम से समझेंगे। अगर कहीं भी परेशानी होगी तो बेहिचक आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे या फिर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।